हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय किचन। और मैं हूँ नीमत। आज बनाते हैं चिकन तंदूरी कबाब। इसके लिए मैंने 300 ग्राम चिकन के ब्रेस्ट को क्यूब की शक्ल में काट लिया है, धोकर इसे निचोड़ लिया है। 3 टेबल स्पून मैंने गाढ़ा दही डाला है। 1 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट है। 1/2 टीस्पून मिर्च पाउडर हमने डाला है, इसे आप अपने जायके के मुताबिक डालें। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है। 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर है और 1/2 टीस्पून ही गरम मसाला पाउडर है। ये गरम मसाला पाउडर हमारे चैनल पर मौजूद है, मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है और 1/4 टीस्पून ही काली मिर्च का पाउडर है। साथ में 1 चुटकी खाने वाला कलर है ताकि कबाब में अच्छा सा कलर आ जाए। स्वाद के अनुसार नमक ले लें। 1/2 कटे हुए लेमन का रस ले लें। 2 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल मिला लें। अब इन सब चीज़ों को खूब अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लें और ओवरनाइट फ्रिज के रैक पर रख दें। अगर वक्त की कमी है तो कम से कम 45 मिनट तक इसे ज़रूर मैरिनेट होने दें। ऐसा करने से कबाब बहुत ही टेंडर और जूसी बनता है, तो मैरिनेट करना बहुत अच्छा रहता है। ओवरनाइट मैरिनेट करने के बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाला है। अब इसे स्क्यूअर में लगा दें और नॉनस्टिक पैन पर कम से कम 5-5 मिनट दोनों तरफ से मीडियम आंच पर सेक लें। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही आसानी से, बहुत ही मज़े का बनता है। ब्राउन स्पॉट आने तक इसे सेकते रहें। तो लीजिए, कबाब तैयार है। उम्मीद है आज की रेसिपी को आपने इंजॉय किया होगा। थैंक यू।